आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज स्तर से खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्त्री पाठी। आज बात छत्तीसगढ़ भाजपा में आए उस उफान की होगी जो धीरे धीरे एक बड़ा बवंडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये उफान बीते 15 सालों के उस दबाव के बाद उठ खड़ा हुआ है जिसे सत्ता की ताकत ने संभाले रखा था। सत्ता गई तब भी पुराने प्रभाव का असर दिख रहा था, जिसे पार्टी नेताओं ने काफी जतन के बाद करीब 2 साल तक सतही हलचल का रूप देकर स्थिति को बांधने की कोशिश की। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दबाव ने 1.5 दशक की नाराजगी को भूचाल के रूप में सामने लाकर रख दिया है। शुचिता और अनुशासन का दंभ भरने वाली बीजेपी अब पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। आज की बहस इस मुद्दे पर करेंगे कि जिन आदर्शों के साथ संगठन चलाने का दावा करते बीजेपी नेता थकते नहीं थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दावों की जगह विरोध के स्वर ने ले ली। इसके साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल ध्वज थामने वाले ज्योतिराव सिंधिया का मिजाज बदलता जा रहा है। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पसीना बहाने वाले महाराज अब बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। सिंधिया का सबसे बड़ा लक्ष्य प्रदेश की उन 27 सीटों पर कमल खिलाना है जहां उपचुनाव होने हैं। सिंधिया के सामने 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने की चुनौती इसलिए भी है क्योंकि ये उन्हीं के समर्थक विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है। ऐसे में अब जब उपचुनाव जल्द ही होने हैं तो सिंधिया पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। सिंधिया फिलहाल मालवा के दौरे पर हैं जहां 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महाराज यहां न सिर्फ बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं बल्कि पार्टी नेताओं से उनके घर जाकर भी मिल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सिंधिया इस तरह क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अहम यह है कि चुनावी मोड में आने वाले सिंधिया उपचुनाव की जंग में बीजेपी को किस हद तक कामयाबी दिला पाएंगे। आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां भाजपा में भूचाल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच बीजेपी नेता और संघ के करीबी सच्चिदानंद उपासने का गुस्सा फूट पड़ा। संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत संगठन मजबूत करने के लिए महाकौशल और छत्तीसगढ़ के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा वाली बड़ी बात कही। उपासने ने बकायदा एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जनसंघ में जो कार्यकर्ता काम करते थे उन्हें महत्व मिलता था, पराक्रम और परिश्रम को महत्व मिलता था, लेकिन जब से परिक्रमा को महत्व मिलने लगा तब से हमारा पतन शुरू हो गया है। उपासने के इस बयान ने बीजेपी के अंतर्कलह को उजागर कर दिया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में किस हद तक सब कुछ ठीक नहीं है, और भागवत के दौरे से प्रदेश में भाजपा क्या जल्द एकजुट हो पाएंगे, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नेताओं के भीतर गुटबाजी पनपने की सुगबुगाहटों के बीच पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने के उस बयान ने संगठन की कलई खोल कर रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 साल के शासन में पार्टी में बहुत सारे दुर्गुण आए हैं। उपासने ने यह सवाल भी उठाया है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद आखिर क्यों हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, इसका दुष्परिणाम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी को भुगतना पड़ा है। उपासने ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे धारदार नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हम निर्णय कर पाने में देरी क्यों कर रहे हैं। पार्टी में पहले पराक्रम और परिश्रम को महत्व मिलता था, लेकिन जब से परिक्रमा को महत्व मिलने लगा है उस दिन से हमारा पतन हो गया है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण, मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। 15 वर्षों की सत्ता के बाद इस स्थिति पर क्यों आए हैं। सच्चिदानंद उपासने का यह बयान उस वक्त सामने आया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। जाहिर है कि इस बयान को जारी करने के पीछे एक गणित छिपा रहा होगा जिसे उपासने बखूबी समझ रहे होंगे। इधर उपासने के बयान से भाजपा में आए भूचाल पर कांग्रेस
चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने खुलकर ये कहा कि भाजपा अब एक दो व्यक्ति की ही जागीरदारी बन गई है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। 15 साल जो सत्ता का सुख भोगे हैं, अभी भी वह बड़े और सिर्फ पदों में कब्जा जमाने के लिए आतुर है। उपासनी के बयान से साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सच्चिदानंद उपासनी ने बड़ा बयान तब दिया है जब संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ का दौरा कर लौटे हैं। ऐसे में सवाल वही है कि क्या मोहन भागवत से प्रदेश भाजपा को कोई ऐसा मंत्र मिला होगा जिसके बाद नेता एकजुट हो पाएंगे और सत्ता पक्ष को घेरने में जुटेंगे, या फिर पार्टी में गुटबाजी आगे भी जारी रहेगी और कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो भाजपा में भूचाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हमारे साथ हैं और भोपाल स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवकेश भार्गव जी, आप सभी का स्वागत है। पहले मनोज जी आपसे ही है कि आखिर आपने भी महसूस किया होगा कि भाजपा में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ऐसे समय पे उपासने जी का बयान देने के क्या मायने हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि उपासने जी काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं और शुरुआती संघर्ष करने वाले लोगों में से रहे हैं, और जिस तरह से भाजपा को कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है और अनुशासन का डंका हमेशा बजाने की बात कही जाती है, अनुशासित होने का दावा किया जाता है, तो उन्होंने वास्तव में उस संघर्ष के काल को देखा है और उन्होंने अपने वीडियो में इसका जिक्र भी किया है कि जो सत्ता मिली है किसी नेतृत्व के चलते या और किसी दूसरे कारणों से नहीं मिली है, ये कार्यकर्ताओं के सतत संघर्ष का परिणाम है। और जो है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अब कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने अपने वीडियो में, करीब 8 मिनट का वीडियो है, उसमें उन्होंने अपना दर्द पूरा बखान किया है। मुझे लगता है मुख्य कारण यही था कि जिस तरह से आरएसएस के सरसंघचालक 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे थे और काफी लोगों से उनको मिलना जुलना था, विचार मंथन करना था, और कहीं पार्टी के अंदर की ये सारी बातें दब न जाए, इसलिए उन्होंने ये साहस किया और सही समय चुना कि ये सही समय है जब इस बात को उछाला जाए, जिससे ये आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व है वहां तक ये बात पहुंचे और उनकी ओर से इस संबंध में कोई पहल किया जा सके कि पार्टी में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, 15 साल सत्ता के बाद जिस तरह से बुरी तरह पराजय हुई, पराजय के बाद सबको उम्मीद थी कि अब स्थितियों की समीक्षा होगी और ये इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर इतनी बुरी स्थिति पार्टी की क्यों हुई, लेकिन करीब करीब 19 महीने गुजर गए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अभी तक स्थितियां सुधरी नहीं है, तो ये दर्द कहीं ना कहीं उनके अंदर रहा होगा और इसलिए उन्होंने सही समय को चुना और अपनी बात शीर्ष स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। जी चलिए, सुंदरानी साहब से ही पूछ लेते हैं, फिर सुरेंद्र जी के तो बाद में कमेंट्स आएंगे ही निश्चित तौर, उनके लिए तो अच्छा मौका मिला है। सुंदरानी साहब, हम कोई सवाल नहीं कर रहे आपसे, आज फिर आप हरे हरे हो रहे हैं, सवाल हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप ही इस वीडियो के क्या मायने हम निकाल लें? आप सवाल करिए त्रिपाठी जी, आपको अधिकार है। नहीं, हम सवाल नहीं कर रहे, हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसको हम किस तरह से एनालिसिस कर लें, इस वीडियो को आप जैसा बोलेंगे उसी तरह एनालिसिस करेंगे। आप कहेंगे नहीं सब ठीक ठाक है, कोई मामला नहीं है, तो मैं उस तरह मान लूंगा। आप कहेंगे कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैं उसको उस तरह से एनालिसिस करूंगा। नहीं, आदरणीय त्रिपाठी जी, जी निश्चित रूप से आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जी प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता हैं, जी और लंबा संघर्ष का इतिहास है आज। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, परिक्रमा वाली बात, जी तो क्या मुझे उपासने जी को या अन्य नेताओं को जो पद मिले हैं परिक्रमा के कारण मिले हैं क्या? हो सकता है, और ना ही
हो सकता है? मुझे नहीं लगता। उपासनी जी को भी बड़े बड़े पदों से नवाजा है पार्टी ने। थोड़ा बड़े पद बता दीजिए उपासना जी को। बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष जी, बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, विधानसभा का टिकट जी, महापौर का टिकट जी, और पिछले 12-13 साल से लगभग मैं और उपासनी जी प्रवक्ता हैं जी। मुझे रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया जी, मुझे विधानसभा का टिकट दिया, दो बार टिकट दिया विधानसभा का जी, मुझे पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, मैं 1980 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष था जी। 40 लाख कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, जो सदस्यता लिए हैं। निश्चित रूप से सभी विधायक नहीं हो सकते, सभी मंत्री नहीं हो सकते, सभी संगठन के पदाधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। न इस पार्टी में कोई भूचाल है, न इस पार्टी में कोई बगावत है। तो फिर यह वीडियो उन्होंने जारी किया, इसको वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस रूप में ले लें हम इसको, जो वीडियो जारी किया है उसको किस रूप में ले लें हम? आदरणीय त्रिपाठी जी, इसके बारे में तो आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी बता पाएंगे कि उन्होंने किस पीड़ा में और क्यों जारी किया। वो मेरे से वरिष्ठ है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। इसके बारे में तो त्रिपाठी जी उपासने जी को ही बिठाना पड़ेगा आपको जी। अब वो मीडिया के सामने तो अभी आए नहीं है, वीडियो जारी करके लेकिन बताया है। उन्होंने लेकिन प्रवक्ता तो है आप ना पार्टी में, गड़बड़ चल रही थी, काम है प्रवक्ता का बताना। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं चल रही पार्टी में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मत भिन्नता नहीं है, और उनको अगर कोई शिकायत थी तो पार्टी के फोरम पे उठाया जाना चाहिए था जी। पार्टी फोरम लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, बाहर जाकर ये रीति नीति नहीं। सुमरानी जी, पार्टी फोरम में उन्होंने निश्चित तौर पे उठाया होगा, इसलिए पीड़ा बाहर आई है। पार्टी फोरम में निश्चित तौर पे उठाया होगा, इसलिए पीड़ा बाहर आई है। और उपासने जी की पार्टी में जो आदर, सुनिए, उपासने जी की जो पार्टी में जो मेहनत है वो शायद आपके और बड़े बड़े नेता जो कहे जाते हैं उनसे ज्यादा हो सकती है। शालिनी ताई उपासने जी के परिवार से ही आते हैं ना वो? जी जी, रजनी ताई उपासने जी स्वयं भी विधायक रही हैं, उनके भाई भी कुलपति हैं। मतलब तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने हमेशा उनके परिवार को सम्मान दिया है। स्वयं मोदी जी ने पिछले दिनों रजनी ताई जी से फोन पे बात की, हालचाल पूछा जी। पार्टी में पूछ परख सबकी है, सभी कार्यकर्ताओं की है, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कहनी थी, मैं आपको त्रिपाठी जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से प्रदेश कार्य समिति की हर बैठक में रहा हूँ जी। एकाध कोई बैठक मिस हुई हो तो मैं नहीं जानता जी, लेकिन मैं 20 साल से लगातार प्रदेश कार्य समिति में पदाधिकारी की हैसियत से, कार्य समिति की सदस्य की हैसियत से, कभी उपासने जी ने वहां अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की है जी। चलिए सुनील शर्मा जी से, शर्मा जी आपको तो मौका मिला और फिर पार्टी के, शर्मा जी आपको मौका मिला है, इस मौके को किस रूप में ले रहे हैं आप, कितना भुनाएंगे? त्रिपाठी जी, जी। सुंदरानी जी को मैं सुन रहा था जी, और उपासने, देखिए एक तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है जी, और उनके ये तथा कथित इनका चेहरा अलग है, चाल अलग है, चरित्र अलग है, ऐसा कहते हैं जी। मगर इसी पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए हैं, इसी पार्टी में कीर्ति आजाद भी हुए हैं, इसी पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं जो अभी रोज कुछ न कुछ बोलते हैं जी। मगर सच्चिदानंद जी उपासना, यशवंत सिन्हा जी को क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, यशवंत सिन्हा जी है और बहुत सारे नाम है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी की सच्चिदानंद उपासने जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बेहद बेहद संजीदा व्यक्ति है जी। और अगर उन्होंने बात कही है तो उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए मेरे ऊपर मेरी पार्टी ने उपकार कर दिया,
मुझको कोई पद दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी ठीक चल रही। उनकी जो पीड़ा है उस बात को समझने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसके इसके बचाव में खड़े होने के बजाय आंतरिक मंथन करना चाहिए कि जो पार्टी 15 साल तक सरकार में रही जी, वो पार्टी 14 सीटों पर कैसे सिमट गई जी, क्या हुआ ऐसा, क्या ऐसा हुआ कि जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन लोगों ने 70 साल संघर्ष किया उनको क्यों ऐसा लगता है कि परिक्रमा करने वाले आगे बढ़ गए, परिश्रम करने वाले पीछे हट गए। तो इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि सच्चिदानंद उपासने जी ने कोई अपने मेरे को पद नहीं मिला इस असंतोष में, हमेशा कोई कोई बात अगर कही जाती है तो इसके पीछे ये कारण नहीं होता, बल्कि डॉक्टर तो वो होता है जो बीमारी को देखता है, उसके इलाज के लिए पहल करता है। तो सच्चिदानंद जी उपासने को मेरा जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम है और उसकी बिगड़ती हुई व्यवस्था को, जो कोरोना ग्रस्त हो गया है, कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको देख करके उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी अपना समझे। हमारी तरफ से तो इस बार वो 14 सीट में है, अगले साल 7 सीट पे आ जाए ऐसे हम कोशिश करेंगे, मगर निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी है और ये दम्भ भरते हैं कि हम में अनुशासन है, हमारा चाल चरित्र चेहरा सब अलग है। ऐसी परिस्थितियों में सच्चिदानंद उपासने जी की ये पीड़ा वास्तविक में बहुत बड़े किसी जख्म को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बहुत बड़े बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसे आप लोगों ने क्या इसको अंतर इसका मनन किया है कि आप केंद्र में 10 साल सत्ता में रहे फिर आप इतनी स्थिति में आ गए कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पा रहे, उसका मनन किया क्या आपने? देखिए, ये निश्चित रूप से ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, मगर एक बात हम समझिए त्रिपाठी जी, कि पिछले 7-8 सालों में जिस ढंग से भारत की राजनीति चली है और जिस ढंग से एक तरह से छद्मवेश में जो तरह तरह की चीजें हुई हैं, अगर विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा उसमें। अन्ना हजारे जी से आरंभ होता है, अन्ना हजारे जी के बाद बाबा रामदेव प्रकट होते हैं, केजरीवाल प्रकट होते हैं, कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आज तक के कांग्रेस पार्टी के सरकार बदलने के बाद न तो कोलगेट में किसी को इस सरकार ने कोई सजा दी, न आदर्श घोटाले में किसी को जेल भेजा, न 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो कहते थे हजारों करोड़ का घोटाला हो गया उसके आरोप लगाने वाले व्यक्ति को बड़े बड़े पद दे दिए गए, तरह तरह की बातें की गई। ये सब सारी बातें दुनिया हिंदुस्तान की जनता देख रही है और इन सारी बातों को एक जो हमारे सामने चुनौती है उसको कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है। छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल ने इन चुनौतियों का बहुत अच्छी तरह सामना किया है और आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता के हृदय में बसने वाली पार्टी है और ये फिर से उभरेगी और जो झूठ और पाखंड के माध्यम से इवेंट करके पार्टी चलाने का जो सिस्टम है ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने उन्हीं आदर्शों के साथ वो महात्मा गांधी के बताए रास्ते, जवाहरलाल नेहरू के रास्ते भी चल के आने वाले समय में फिर से भारत में शीर्षस्थ होगी, इस बात का मुझे यकीन है। सुधानी साहब, शर्मा जी कुछ कह रहे थे तो आप बार बार इशारा कर रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है उनके प्रत्युत्तर में। सुधानी साहब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुंदरानी साहब से बात कर रहा हूँ। सुंदरानी साहब आवाज आ रही है? हाँ, मेरे पास आ रही है। आपके पास आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। आदरणीय त्रिपाठी जी, सुरेश शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक उपासने जी के बयान के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने अपनी बात रखी, देश में 55 साल केंद्र में सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हुई है, पूरे देश में कांग्रेस के नेता तोड़ तोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं और मान्यता प्राप्त विपक्षी केंद्र में जिस पार्टी के 400-450 सांसद संसद में होते थे, लोकसभा में होते थे, उस पार्टी के आज 55 सांसद है, 55 सांसद भी नहीं है, बहुमत 10% लोकसभा का हिस्सा भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो कभी इन्होंने राहुल जी और सोनिया जी से पूछा है ये नेता लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? चलिए साहब, वहाँ सुरेंद्र जी उनका तो सिर्फ बयान आया है, छोड़ के नहीं गए, आपके पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं,
ये सुंदरानी जी का कहना है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। साहब सुंदरानी जी आप याद करिए 2001-2002 में आपके कितने गए थे छत्तीसगढ़ से? 12 MLA गए थे पूरे देश में, मिसाल था खरीदे गए जी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप देश के इतिहास में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में दल बदल नहीं होता जी। इन्होंने आज इनकी स्थिति क्या रह गई है, ज्योतिरादित्य छोड़ के चले गए, सचिन पायलट को ले दे के मनाया है जी, और भी युवा नेता कोई कांग्रेस में ठहर नहीं पा रहे। और छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंटल सरकार इनकी क्या, सुंदरानी साहब जो आप बोल रहे हैं ना कि दल बदल क्या बन गई इनकी, सुंदरानी साहब ये इतने हवा में उड़ रहे हैं। जो आपके इधर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, आप खुद भी बोलते हैं कि दल बदल करने के बाद नेता का खुद का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं बचता। आप खुद ही याद होगा आपको कि 12 में से कितने जीते थे 2003 में, पहले वो याद कर लीजिए, फिर ये जिनको आप ले रहे हैं, हम खरीद रहे हैं हम नहीं कहेंगे, आयात कर रहे हैं जिनका। कर्नाटक में जितने MLA आए थे सब जीत के पहुंच गए। अरे छत्तीसगढ़ के बताइए जो 12 गए थे आपके, 27-22 इलेक्शन होने, छत्तीसगढ़ के बताइए जो 12 गए हमारे कहते हो। तो देखिए हमारी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो गंगा है, गंगा में जो आता है वो गंगा में हो जाता है जी, यहाँ से जो जाता है वो नहीं चल पाता जी। चले शर्मा जी आप उत्तर दे दीजिए सुंदरानी जी ने, आपने कहा कि एक हमारे यहाँ से अगर एक वीडियो जारी हो जाता है तो आप इतनी बड़ी बात रख देते हैं, लेकिन आपके तो खुलेआम बोल के चले जा रहे हैं। जय हो गंगा मैया की, यही तो पीड़ा है उपासना जी की जी, जो त्रिपाठी जी जो वास्तविक पीड़ा है उपासना जी की यही है जी, कि कांग्रेस के तमाम लोगों को बुला बुला के पटा के, और खरीद लेने वाला शब्द मैं भी नहीं कहूंगा, मगर हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कोई न कोई प्रलोभन तो अवश्य होता है। तमाम लोगों को पद दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचारे हाफ पैंट पहन के बनियाइन पहन के कसरत करते रह गए, और कांग्रेस के तमाम गए हुए लोग आज सांसद हैं, मंत्री हैं, और इनके सिर के ऊपर बैठ गए हैं। यही तो पीड़ा है उपासना जी की, कि भाई दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस युक्त भाजपा जी, भाजपा की संस्कृति, और इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति के तमाम जो धारणाएं हैं उनको तोड़ा है, तमाम नियमों को तोड़ा है, तमाम व्यवस्थाओं को तोड़ा है। ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर रही है, इसको हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ कि गुपचुप चाट खाने में एक आध दिन अच्छा लगता है, ये ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। ये जो पूरा दुनिया भर का एक आडंबर रच करके जो हिंदुस्तान की जनता को मुगालते हुए डालने की कोशिश की गई, कभी राष्ट्रवाद का मामला आ गया, कभी हिंदूवाद का मामला आ गया, भारत के जनता की भावनाओं के साथ जो खेल करके इन्होंने जो खेल किया है, ये खेल लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाया है, भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहना चाहिए, सच्चिदानंद उपासना जी की बात को गंभीरता से समझना चाहिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को किस लिए बनाया था। कांग्रेस के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने विचारधारा का त्याग नहीं किया है, किसी हालत में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा का त्याग नहीं करता। ये समय समय की बात है कि व्यक्ति विशेष अब किसी प्रलोभन में आकर के इधर से दल बदल कर ले, भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। उन्होंने कई लोगों को ऐसी ऐसी सरकारें बना दी इन्होंने कि इनके दो सदस्य नहीं है, सरकार इनकी है, तो अद्भुत अद्भुत काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मगर समस्या ये है, हमारे पास तो चिंता का विषय है, हम आज 55 सीट में है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। पार्टी चिंतन भी कर रही है, और इस चिंतन करने के बाद हमारे प्रयास भी इस दिशा में अग्रसर है कि आने वाले समय में हम इससे उभर सके। मगर एक बात जरूर है कि सच्चिदानंद उपासना जैसे गंभीर व्यक्ति की बात को अगर भारतीय जनता पार्टी मजाक में उड़ाने का कोशिश करेगी, ये स्वयं मजाक का विषय बनेगी। सुंदरानी जी अगर मजाक उड़ाएंगे तो जैसा उन्होंने कहा 14-7 में आ जाएंगे, सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। देखिए अभी मनोज जी से मैं पूछता हूँ, 2-3 गुट हैं, बन गए हैं गुट,
नहीं त्रिपाठी जी, हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे तो आदरणीय सच्चिदानंद जी हैं, तो कहाँ मेरे वरिष्ठ नेता, मेरे मैं भी उनको अपना नेता मानता हूँ, मैं कहाँ उनके मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि उनको अपनी बात को पार्टी फोरम में उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठाते हैं, पार्टी फोरम में नहीं सुनी गई होगी ना, तब तो उनको मजबूरन ही करना पड़ा। मैंने तो आपको बताया 20 साल से मैं कार्यकारिणी की बैठक में हूँ, प्रदेश में कार्यकारिणी की बैठक में बैठता हूँ, कभी ऐसी बात नहीं आई वहाँ पे, क्यों नहीं आई, वहाँ आना चाहिए ना जी। और मैं कभी मजाक की बात नहीं करता, सुरेंद्र शर्मा जी कैसे मजाक की बात कर रहे हैं, उनको तो राहुल गांधी और सोनिया जी से जवाब लेना चाहिए, वो भी मजाक में उड़ा रहे हैं, 55 सीट में पहुंच गई कांग्रेस पूरे देश में, हालात कितनी खराब है, कितने राज्यों में कांग्रेस गिनती के 3-4 राज्यों में रह गई है कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी 16-17 राज्यों में राज कर रही है सीधी जी, तो आज जवाब दे तो कांग्रेस ही, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे नहीं है, और ये प्रलोभन की बात कर रहे हैं, तो क्या इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद क्या प्रलोभन में बिकते हैं क्या? सिमरानी जी, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको सोनिया जी से, राहुल जी से बात करनी चाहिए, जब आप इतनी बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार गए, तो क्या आप लोगों ने अमित शाह जी या मोदी जी से बात की थी क्या? निश्चित रूप से हमारे नेता लोग मिले होंगे, बात किए होंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जी, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे से ऊपर लेवल का मामला है, जरूर बात हुई होगी, समीक्षा हुई होगी, केंद्र स्तर पर समीक्षा हुई होगी, जहाँ कमियां होगी वो कमियों को दूर करेंगे, निश्चित रूप से हमारे लिए चेतावनी चुनौती है, 14 सीट से हम वापस 3.5 साल बाद कैसे 55 सीट 60 सीट पर पहुंचे, हम पहुंचेंगे, कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनेगी त्रिपाठी जी, मान लीजिए, आप लिख लीजिए मेरी बात को, रहा तो निश्चित से आपके सामने फिर एक चैनल पर बैठूंगा आपके साथ, अगली बार यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और दूर दूर तक कांग्रेस की सरकार आने का चांस नहीं रहेगा। चलिए, तो आपने भविष्यवाणी कर दी मनोज जी, भविष्यवाणी कितनी सही होगी, खैर ये तो आपको भी लग रहा है, इसके पहले इसी चैनल में और भी प्रवक्ताओं के साथ ये बात हुई थी वहाँ जी, जी बात को मनोज जी जानते हैं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। चलिए, इसके बाद अभी सरकार नहीं है तो अपन एक ज्योतिष केंद्र खोल लेते हैं, अच्छा चल पड़ेगा हम लोगों का। नहीं, ज्योतिष बेचारे ज्योतिष होगी, रोजी रोटी पे क्यों आ जाने दे, अरे मैं तो ब्राह्मण आदमी साहब आपके साथ आ जाऊंगा, अच्छा हम ग्राहक हम ढूंढ के ले आएंगे। नहीं, नहीं। जी मनोज, आप अच्छा रहेगा, आप भी चाहते हैं हमारे, हम जी मनोज जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि रमन जी का, ब्रिजमोहन जी का अलग गुट, एक इसके पहले इसी चैनल में हमारे प्रवक्ता से जी से बात हुई थी, एक राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा आपके यहाँ ग्रुप है, जो कभी कभी सरकार गिराने की बात कर देते हैं, कभी कुछ भी कह देते हैं, पार्टी फोरम में एक तय होता है, नेता प्रतिपक्ष या तो कोई बयान देगा, अध्यक्ष देगा, हर लोग अपने अपने बयान से चारों लोग मन सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि जो कैडर है, जो अनुशासन है, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा, भले लो अनुशासन कहते हो ये, लेकिन दरकता हुआ नजर आ रहा है मनोज जी, और इसके सच्चिदानंद जी का जो वीडियो जारी हुआ है, इसके मायने कहां तक जाएंगे आगे, मोहन भागवत जी वहां है, ऐसे समय पे वीडियो जारी करने क्या जरूरत थी? जी देखिए, यही बात थी कि जब विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की बुरी तरह हार हुई थी, जबकि उस समय ये माना जा रहा था कि जो 3 स्टेट जहां जहां पे चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उस समय रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति दूसरे दो राज्यों से बेहतर है, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे, और इतनी बुरी तरह हार की उम्मीद जो है भाजपा को तो नहीं थी, कांग्रेस को भी नहीं थी कि इतनी अच्छी जीत उनको मिलेगी, ये जरूर मैं लगातार उस समय पीसीसी अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, उनके साथ बैठता था और उनसे अनुमान लगवाता था कि आपको क्या अनुमान है, तो वो जो है 52-55 टाइप की सीट तक आएगी, इस तरह से बातें करते थे, तो इतनी बुरी तरह पराजय के बाद जो समीक्षा की जानी चाहिए थी, उस समय बहुत सारी बातें आई, हार के बाद बहुत सारी बातें बाहर आई कि और बड़े से बड़े जो नेता थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह तक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई,
जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी नौकरशाही के दबदबे की बात आई कि नौकरशाही के दबदबे के चलते कार्यकर्ता उपेक्षित हुए। फिर बाद में एक बयान आया उस समय के जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे धरमलाल कौशिक के, कार्यकर्ताओं की उदासीनता की वजह से हारे। तो ये सब बातों ने कार्यकर्ताओं को और नाराज कर दिया। तो सच्चिदानंद उपासने को लगा कि 19 महीने हो गए, अब जाकर जो है स्थिति सुधरनी चाहिए, लेकिन स्थिति और बिगड़ रही है। जैसा कि आपने खुद बताया कि ये बातें भी आती है कि सब अपने अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं, किसी तरह के अनुशासन जैसी बातें नहीं दिख रही हैं। और जिस गुट की बात, जब सत्ता थी उस समय भी गुट की चर्चा थी यहाँ पर कि दो गुट हैं भाजपा में, लेकिन सत्ता के आगे जो है कहीं ना कहीं एक अनुशासन का दायरा था उनमें, और इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं आती थी। ये जरूरत है कि अंदरूनी तौर पर जो है गुटबाजी थी, लेकिन अभी की स्थिति में वो गुटबाजी और ऊपर आ गई है और जो है खुलकर ये बातें सामने आने लगी हैं कि अभी जिनके हाथों में यहाँ पर संगठन है उनसे लोग जो है अभी भी नाखुश हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी उन्हीं का वर्चस्व है। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं हो पाएगी। और इन्हीं सब बातों को सच्चिदानंद उपासने ने इस वीडियो के जरिए कोशिश की है कि अभी भी इस पर गंभीरता से विचार मंथन हो और पार्टी के अंदर जो कुछ गड़बड़ चल रहा है वो सुधरे। तो भार्गव जी, आपसे अंतिम टिप्पणी चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, और जब मोहन भागवत जी हों और सच्चिदानंद उपासने जैसे कर्मठ, शालिनी ताई जी के शायद वो बेटे हैं, जगदीश उपासने जी को आप जानते ही हैं, बड़े पत्रकार हैं, रजनी ताई जी के, माफ करिएगा। तो ऐसे इन सब स्थितियों में इस तरह से वीडियो जारी कर देना, ये भाजपा में तो कांग्रेस में चलता रहता है, लेकिन भाजपा में इस तरह से हो, वो भी संघ प्रमुख के समक्ष जब वो हो वहां उपस्थित हो। उपासने जी जैसा वरिष्ठ नेता, निर्विकार नेता, जिनका संघर्ष, जिनका बलिदान, सच्चिदानंद उपासने जिनका इतिहास रहा है जी, वो व्यक्ति अपना दर्द अगर वीडियो के माध्यम से बयां कर रहा है तो वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर वेस पार्टी है, कैडर वेस कहने के लिए रह गई है, कैडर का मतलब होता है क्रमोन्नति जी, क्रमोन्नति से चले, लेकिन 15-15 साल तक एक मुख्यमंत्री सबसे बड़ा। लेकिन उपासने जी ये भी जानते हैं कि जिसने पार्टी छोड़ी उसका अंत क्या हुआ है, या तो वो राजनीति से संन्यास ले गया है या गर्त में चला गया है। आप देख लें कोई भी, अब मध्य प्रदेश में देख लें, राकेश चौधरी आए थे, आज कहाँ है। तो इस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को अपने आप में समावेशित नहीं कर पाती जी, जो आता है वो बेचैन हो जाता है। प्रेम नारायण ठाकुर परिवहन मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, वो भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद वो चुनाव भी जीते, उसके बाद वो संन्यास में चले गए, उनको कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में ये चल सकता है, लेकिन भाजपा में ये नहीं चलता। आज अडवाणी जी को देख लें, तो कम से कम आप सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन भाजपा को सोचना पड़ेगा कि वो विकसित करना पड़ेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष न पनपे। पहले तो ऐसा कहा जाता था कि राजनीति में साधु संन्यासी नहीं आते, जिनकी इच्छाएं होती, महत्वाकांक्षा होती है, वो आते हैं, लेकिन आजकल तो राजनीति में साधु संन्यासियों की भरमार है। तो आप ये समझने का प्रयत्न करें कि हर कार्यकर्ता के मन में एक महत्वाकांक्षा है, ठीक है, उसको ज्यादा ना मिले, थोड़ा मिले, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जरखरीद गुलाम नहीं है, आपको उसकी आजीविका के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और उपासना जी का शायद यही दर्द झलक रहा है, जब इतना बड़ा नेता ऐसा वीडियो जारी कर सकता है तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में परिक्रमा की जरूरत हो गई। हाँ, नाराजगी बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बहुत ज्यादा है, और ये तूफान से पहले की शांति है। भाजपा को उसमें काम करना पड़ेगा, कांग्रेस से आप लें जो करें, जिनको समावेशित करें, लेकिन कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर उनको सत्ता मिल गई है तो सत्ता चिरस्थायी नहीं है, तो कम से कम इस मौके का आप फायदा उठाएं और अपनी जड़ें मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी आपका, सुंदरानी जी आपका, और मनोज जी आपका सारी चर्चा में शरीक होने के लिए, टिप्पणी के लिए। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने के रूप में सतह के भीतर छिपी बैठी नाराजगी एकदम से फूट पड़ी है। जाहिर है अब इस कारवां से
वो तमाम चेहरे भी जुड़ने वाले जुड़ते चले जाएंगे जिनके भीतर इस बात को लेकर कोफ्त हो रही है कि राज्य में अर्थ तक पहुंचकर फर्ज पर आने के लिए जिम्मेदार चेहरों के हाथों में ही संगठन की बागडोर आज भी है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद विष्णु साय की नई कार्यकारिणी बननी बाकी है, लिहाजा इंतजार उस कार्यकारिणी के गठन तक का है। अगर इसमें पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई तो बगावत की आंधी भी बीजेपी में किस छोर तक जा पहुंचेगी इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां महाराजा का मिजाज बदल रहा है। तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया की सक्रियता बढ़ रही है। इन चुनाव को लेकर उनकी मालवा निवाड़ जोन पर पैनी नजर दी है। फिलहाल सिंधिया का फोकस मालवा पर है जहां की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से बदनावर, सांवेर, हाटपिपलिया और सुवासरा की विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक चुनाव मैदान में मौजूद रहेंगे, जो अपने महाराष्ट्र की रणनीति में बहकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए, जबकि 5वीं सीट आगरमालवा विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के कारण खाली हुई है। सिंधिया अभी अपने बदले मिजाज के साथ इंदौर और उज्जैन के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी नेताओं से उनके घर जाकर मिल रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लिए हुए हैं। चलिए सिंधिया के मिशन मालवा पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मैंने कई बार किया कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। महाराज अपने बदले बदले मिजाज के साथ मालवा के मिशन पर है। दिलचस्प बात यह है कि वे अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। सिंधिया की बीजेपी नेताओं से मुलाकात वाली लिस्ट काफी लंबी है। इसमें इंदौर से कैलाश जयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, शंकर लालवानी, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जबकि उज्जैन से मुलाकात वाली सूची में शिवराज सरकार में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही अनिल फिरोजिया, पारस जैन और शिवा